डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी, महाराष्ट्र, इंडिया. आई वेलकम बैक टू ऑल द व्यूवर्स टू द लेक्चर सीरीज ऑफ जुडिशियल एग्जामिनेशन. सो टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी सेक्शन 20 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. अलॉन्ग विद सेक्शन 20 वी विल डिस्कस सेक्शन 20A ऑल्सो एंड the question asked by the examiner on this particular sections and the question which may be asked by the examiner on these sections. So, aaj ka hamara point of discussion rahega section 20 of Indian Evidence Act. Is par puche gaye question aur aise question jo examiner pooch sakta hai in sections par. So, without wasting your much time, let's start the topic. Section 20 dealing with the concept of admission under the Indian Evidence Act 1872. So, the title of Section 20 is Admission by Person Expressly Referred to by Party to Suit. Section 20 deals with, suppose if the parties to the suit expressly refer that particular matter to somebody else, to some third person, and whatever the admission made by third person, that becomes relevant under Section 20 of Indian Evidence Act. So, a statement made by a person to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute or admission. अगर मैं कहता हूँ कि अगर मुझे कोई product बेचना है और वो product की स्थिति, वो product का status, product सही है या नहीं है, अगर मुझे जिसको बेचना है वो अगर मुझसे question करता है और मैं कहूँगा कि भाई ये फला फला शख्स है, फला फला person है, उसको जाकर आप पूछो, उसको पूरी इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो अब वो जो भी कहेगा वो प्रोडक्ट के बारे में, दैट बिकम्स एडमिशन एंड दैट इज रिलीवेंट. वो रिलीवेंट हो जाएगा, दैट मे बी यूज्ड अगेंस्ट मी, मेरे अगेंस्ट में वो यूज हो सकता है क्योंकि मैंने ही रेफर किया वो पार्टी को उससे जाकर पूछने के लिए. सो सेक्शन 20 अलॉन्ग विद सेक्शन 19 फॉर्म्स एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट एडमिशन बाय स्ट्रेंजर टू अ सूट आर नॉट रिलीवेंट. तो जनरल रूल क्या है कि एडमिशन और स्टेटमेंट मेड बाय सम थर्ड पार्टी और स्ट्रेंजर इज नॉट एडमिसेबल एट ऑल. जनरल रूल ये कहता है कि किसी स्ट्रेंजर ने किया हुआ एडमिशन, किसी थर्ड पार्टी ने किया हुआ एडमिशन रिलेवेंट नहीं होगा. बट सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20 इज एन एक्सेप्शन टू दिस पर्टिकुलर जनरल रूल. सेक्शन 19 और 20 इसको एक्सेप्शन है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. अब यहां पर हुआ ऐसा कि द क्वेश्चन इज वेदर अ बाइक सोल्ड बाय राम टू श्याम इज डिफेक्ट फ्री. अब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है कि जो राम ने श्याम को जो बाइक बेचा वो डिफेक्ट फ्री है या नहीं है, कि उसमें कोई डिफेक्ट है. या क्वेश्चन किया था फॉर एग्जांपल राम ने श्याम को कि भाई ये जो बाइक है ये डिफेक्ट फ्री है या नहीं. तो राम सेज टू श्याम, गो एंड आस्क पीटर दैट इज हु इज अ मैकेनिक, पीटर नोज ऑल अबाउट इट. तो श्याम जब बाइक खरीद रहा था राम से, तो उसने क्वेश्चन किया कि भाई ये जो बाइक है ये डिफेक्ट फ्री है, इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है. तो राम ने कहा कि भाई पीटर है, एक मैकेनिक है, उसको जाकर पूछो, वो मेरे बाइक के बारे में सब कुछ जानता है. तो पीटर नोज ऑल अबाउट इट. हुआ ऐसा कि पीटर्स स्टेटमेंट इज एन एडमिशन एज पीटर हैज बीन एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय राम टू श्याम फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन ऑफ द बाइक. सॉरी, यहां पर गलती से हो गया है. सो जो भी है कि बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो लेना था उसको, तो राम ने तो शाम को कहा कि भाई मैकेनिक है पीटर, उसको जाकर पूछो, उसको बाइक के बारे में पूरा पता है. और जब पीटर का जो भी स्टेटमेंट होगा बाइक से रिलेटेड, अब अगर वो स्टेटमेंट राम के अगेंस्ट में भी गया, दैट विल बी एन एडमिशन एंड इट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 20, क्योंकि राम ने एक्सप्रेसली रेफर किया श्याम को कि भाई तुम जाकर उसको पूछो, वो जो कहेगा मुझे मंजूर है. तो जो मैकेनिक का जो स्टेटमेंट आएगा रिलेटिंग टू द बाइक, दैट इज एन एडमिशन एंड इट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 20, क्योंकि वो स्टेटस मालूम है उसको बाइक का, और बाइक के बारे में जो भी एडमिशन देगा वो रिलीवेंट हो जाएगा. Another example is that that is a case K.M. Singh versus Secretary Association of Indian University. इस केस में क्या हुआ था
Here the issue was whether the resignation tendered by the plaintiff was an involuntary one. Okay, the resignation tendered by the plaintiff, whether that particular resignation is voluntary or involuntary. That was the question before the court of law. कि जो plaintiff ने resignation दिया था अपने job से, वो voluntary था या involuntary था, ये court को decide करना था, ये court के पास question था. अब हुआ ऐसा कि the plaintiff named two officials of the respondent association that if they would take special oath at a specified religious place and affirm that his resignation was not involuntary, he would accept the same. So plaintiff has given names of two person who belongs to the respondent association, and plaintiff says that if they would take a special oath at some religious place that his resignation was not involuntary, he would accept the same. तो प्लेंटिव ने कहा कि भाई ये दो पर्सन है आपके ही एसोसिएशन से है, अगर ये दो पर्सन एकादे रिलीजियस एकादे धार्मिक स्थल पे जाकर अगर कसम खाते हैं कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो वॉलंटरी है तो मैं मान लूंगा उस चीज को मान लूंगा. अगर उन्होंने कहा कि इनवॉलंटरी नहीं है वॉलंटरी है तो मैं वो चीज को मान लूंगा. तो यहां पर क्या हुआ कि प्लेंटिव ने एक्सप्रेसली रेफर किया रिस्पोंडेंट के एसोसिएशन के दो पर्सन को कि ये दोनों ने कहना कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो वॉलंटरी है, रिलीजियस प्लेस पे जाना उन्होंने कसम खाना और मैं मान लूंगा. तो हुआ ऐसा कि व्हेन द ऑफिशियल डिड सो इट अमाउंटेड टू एन एडमिशन ऑन हिज पार्ट एंड ही बिकम बाउंड बाय द सेम. अब वो अगर दो पर्सन जाकर वहां पर कसम खाए उन्होंने कि हाँ जो प्लेंटिफ ने जो रेजिग्नेशन दिया वो वॉलंटरी है, तो वो दो पर्सन का एडमिशन प्लेंटिफ के अगेंस्ट में यूज होगा एंड प्लेंटिफ बाउंड बाय द एडमिशन मेड बाय दिस टू पर्सन. व्हाई? बिकॉज दिस टू पर्सन हैज बीन एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय द प्लेंटिफ. प्लेंटिफ ने एक्सप्रेसली रेफर किया, प्लेंटिफ पे कोई दबाव नहीं था, प्लेंटिफ खुद ने कहा कि वो जो कहेंगे मुझे मंजूर रहेगा, तो उनका एडमिशन प्लेंटिफ के अगेंस्ट में यूज होगा सेक्शन 20 के हिसाब से. तो ये था सेक्शन 20. अब अनदर केस इज दैट सीताराम वर्सेज पियारी. In this case, parties to the suit had made a joint application and prayed the court that the suit may be decided by the munsif after making a local inspection. तो यहाँ पर क्या हुआ? The parties to the suit had made a joint application. जो suit के जो parties थे, plaintiff and defendant, दोनों ने एक joint application दिया और joint application में उन्होंने prayer की, दाद मांगी कि जो हमारा जो भी suit है, that may be decided by the munsif after making a local inspection. कि भाई ये local inspection करने के बाद एक munsif appoint करो और वो munsif decide करे हमारा case. दोनों ने joint application दिया, expressly refer किया ना munsif को matter अपना. अब यहाँ पर हुआ, the report of local inspection by the munsif was held to be relevant under section 20 and suit was decided on the basis of that report. So whatever the report, local inspection report made by the munsif, that becomes relevant under section 20. Why? Because both the party make a joint application to the court regarding the reference that particular matter to the munsif. So expressly refer kiya munsif ko matter. Ab munsif jo bhi local inspection ki report banayega, wo dono party ke against me use hogi as a admission. So that is a section 20. Now probable question jo pooch sakta hai examiner is par, when statement of third person become admission. ये कब थर्ड पर्सन का स्टेटमेंट एडमिशन होगा? इफ ही मेक एन एडमिशन बिफोर कोर्ट, एडमिशन मेड बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय पार्टी, बोथ ऑफ द अबो आर करेक्ट, नन ऑफ द अबो. तो अगर हम देखें सेक्शन 20 क्या कहता है, तो सेक्शन 20 स्पेसिफिकली कहता है कि स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू हुम अ पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड, ऐसे पर्सन का स्टेटमेंट जिसको पार्टीज टू द सूट, सूट के पार्टी में से एक ने एक्सप्रेसली रेफर किया कि हाँ उसको वो जो कहेगा मुझे मंजूर है, अगर एक्सप्रेसली रेफर करता है, सो दैट एडमिशन बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 20. सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड. तो सेकंड है क्योंकि एडमिशन मेड बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय पार्टी बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 20. सो दिस इज अ पर्टिकुलर टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू. Thank you very much.